अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वो आज मीटिंग से सारे प्लानिंग्स हो गए हैं। सो एक्सक्यूज मी सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत आप? अल्लाह का शुक्र है सर। इनकी दो महीने की सिक लीव नहीं थी? यस सर। बस सवियर, आपको अटैक हुआ है, अल्लाह ने आपको एक नई जिंदगी दी है, उसके बावजूद आप काम पर आ गए, प्लीज रेस्ट कीजिए। सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, लेकिन सर घर पे मुझसे आराम नहीं होता, मगर मैं काम नहीं करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। आजकल के दौर में ना वैसे ये बड़ी अनोखी बात है, वरना आजकल तो लोग काम से भागना चाहते हैं बस। बट मेरा ये ख्याल है कि आपको जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर कुछ भी आपको अबनॉर्मल महसूस हो तो आप घर जा सकते। बहुत शुक्रिया सर, बस यही एहसास तो हमें ऑफिस ले आता है क्योंकि आप हमें एम्प्लॉयज नहीं समझते बल्कि घर के एक फर्द की तरह समझते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, और इससे भी मुझे तो लगता है कि हाँ शायद हमारे काम की नौइयत फर्क होगी, लेकिन उसके अलावा हम सब बराबर हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। आप कभी भी कोई मसला हो आपने मुझसे आके बात करनी। थैंक यू सर। अच्छा किचन में कहिएगा कि इनके खाने का खास ख्याल रखा जाए, परहेजी होगा जिसमें स्पाइसेस और ऑयल कम होगा। जी सर। क्या कहूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका इतना एहसास करते हैं, अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में आपको इज्जत दे। सोना है सब सर। अपना ख्याल रखिए।